बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज स्प्लीन। पार्ट वन की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्प्लीन की लोकेशन, डायमेंशन एंड एक्सटर्नल फीचर्स। एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो स्प्लीन को बेसिकली हमने कहा था कि अगर एग्जामिनर हमें स्प्लीन पकड़ा दे तो हमने उसको लेफ्ट हैंड में कुछ इस तरह से पकड़ना है, जिसमें हमने बात की थी एक्सटर्नल फीचर्स में कि ये जो एंड है, दिस वन इज़ द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। जो एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन होता है वो मोर लाइक अ बॉर्डर होता है, और जो पोस्टीरियर एंड ऑफ स्प्लीन है वो राउंडेड इन शेप होता है। उसके अलावा तीन बॉर्डर्स को देखा था कि ये जो बॉर्डर है, दिस वन इज़ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन एंड दिस वन इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन, और इनके दरमियान यहाँ पर करके प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन। दो एंगल्स की बात की थी कि एंटीरो बेजल कौन सा एंगल होता है। एंटीरो बेजल बेसिकली जो सुपीरियर बॉर्डर होता है विद द एंटीरियर एंड के साथ यहाँ पे करके एक एंगल बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीरो बेजल एंगल, और हम इसको क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन भी कहते हैं। उसके अलावा जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है, इन्फीरियर बॉर्डर एंटीरियर एंड के साथ जो एंगल बनाता है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरो बेजल एंगल। एंड्स की बात कर ली, एंगल्स की बात कर ली, और हमने इसके बॉर्डर्स की बात कर ली। अब इसके सरफेसेस की बात कर लें। सरफेसेस की बात करें तो ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज़ द विसरल सरफेस, क्योंकि ये विसरास के साथ रिलेट कर रही होती है, और जो ये वाली सरफेस होती है ये बेसिकली डायफ्रामेटिक सरफेस होती है। तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, जिसमें ये वाली रिब होती है, रिब नंबर 9, रिब नंबर 10 एंड रिब नंबर 11। अच्छा, अब एक्सटर्नल फीचर्स को देखने के बाद हम रिलेशंस ऑफ स्प्लीन पढ़ते हैं। रिलेशंस ऑफ स्प्लीन को बेसिकली हम टू पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं कि विसरल कौन कौन से रिलेशंस हैं और पेरिटोनियल कौन कौन से रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। पेरिटोनियल रिलेशंस की बात करें तो पेरिटोनियल स्प्लीन इज सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम एंड इज सस्पेंडेड बाय द फॉलोइंग लिगामेंट, यानी कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसको सस्पेंड कर रहे होते हैं। लिगामेंट्स बेसिकली फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम से बनते हैं। अब इन लिगामेंट्स का काम क्या होता है कि ये बेसिकली दो विसरास को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, और या फिर ये एक विसरा को एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो लिगामेंट आते हैं उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का नाम खुद ही बता रहा है कि इसका ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करे। गैस्ट्रो स्टैंड फॉर द स्टमक एंड द स्प्लेनिक स्टैंड फॉर स्प्लीन, यानी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगा, हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, यानी जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर होता है वहाँ से लेकर यह एक्सटेंड करेगा अप टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। उसके बाद इट कंटेन द शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स एंड एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स एंड सिंपथेटिक नर्व। इसके कंटेंट्स की बात करें तो जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है उसमें हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, यानी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। अब जहाँ पे वेसल्स होंगे वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होगी, और हमारे पास होती है सिंपथेटिक नर्व्स। नेक्स्ट जो लिगामेंट आता है वो होता है लीनोरीनल लिगामेंट। लीनोरीनल लिगामेंट का क्या मतलब है कि ये स्प्लीन से एक्सटेंड करेगा, रीनल मतलब किडनी तक। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। इट अब इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स की बात करें तो इट कंटेन द टेल ऑफ द पेंक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड एसोसिएटिव पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स एंड सिंपथेटिक नर्व्स। लास्ट जो लिगामेंट आता है उसे हम बोलते हैं फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फ्रेनिक वर्ड हम यूज़ करते हैं डायफ्राम के लिए, और कोलिक वर्ड हम कोलोन के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एक्सटेंड करेगा स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन से लेकर डायफ्राम तक। इट इज़ नॉट अटैच टू स्प्लीन बट सपोर्ट इट्स एंटीरियर एंड, यानी ये स्प्लीन से अटैच नहीं होता क्योंकि इसके नाम में स्प्लीन नहीं आया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सस्टेंटिकुलम लीनियस। अच्छा, अब जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है उसको समझने के लिए हम ये वाली डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम को हमने बेसिकली डिस्कस किया था ग्रेटर मोमेंटम की वीडियो के अंदर। तो जो ग्रेटर मोमेंटम की वीडियो में हमने ये वाला लिगामेंट डिस्कस किया था, इस लिगामेंट को हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से स्प्लीन की तरफ। अब यहाँ पे करके जो स्टमक की ब्लड सप्लाई में हमने आर्टरी पढ़ी थी उसे हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं।
आर्टेरिया सप्लाई ऑफ स्टमक में हमने ये वाली डायग्राम को पढ़ा था, तो स्प्लीन की लोकेशन भी हमने यहाँ पे करके पढ़ी है। तो यहाँ पे जो कंटेंट आ जाएगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का, वो भी क्या आ जाएगा, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल, जो कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। उसके अलावा जो नेक्स्ट लिगामेंट है लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो रीनल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर होता है, स्प्लीन के हाइलम से किडनी तक। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी वाली डायग्राम से देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी वाली डायग्राम हमने पहले डिस्कस की थी, जिसमें ये जो लिगामेंट प्रेजेंट है जो कि दो फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम से बना है, इसे हम बोलते हैं लीनो रीनल लिगामेंट। इस डायग्राम में हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। इसके कंटेंट्स में बेसिकली आ जाएगा स्प्लेनिक वेसल्स आ जाएंगी, जो कि ये वाली शो की गई हैं। उसके अलावा टेल ऑफ पेंक्रियाज, क्योंकि स्टमक के बिहाइंड बेसिकली लाई कर रही होती है टेल ऑफ पेंक्रियाज, जो कि इसके स्प्लीन के अंदर जा रही होती है। उसके अलावा ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहा होता है, हाइलम ऑफ स्प्लीन से लेकर लेफ्ट किडनी तक ये एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट होता है वो बेसिकली ट्रू लिगामेंट नहीं होता, ये बेसिकली एक्सटेंड कर रहा होता है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन से लेकर डायफ्राम तक। ये बेसिकली जो एंटीरियर एंड होता है स्प्लीन का उसको सपोर्ट दे रहा होता है। अच्छा, अब पेरिटोनियल रिलेशंस को देखने के बाद हम विसरल रिलेशंस की बात करते हैं। विसरल रिलेशन में भी बेसिकली हम टू पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि जो विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन होती है वो कौन कौन से विसरास के साथ रिलेट कर रही होती है। उसके अलावा जो डायफ्रेगमेटिक सर्फेस होती है वो किन के साथ रिलेट कर रही होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विसरल सरफेस को। विसरल सरफेस की बात करें तो इसको हमने स्पेसिमन से भी देखा था कि ये जो इम्प्रेशन प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। उसके अलावा ये जो इम्प्रेशन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन, क्योंकि जो टेल ऑफ पेंक्रियाज होती है वो बेसिकली स्प्लीन के अंदर जा रही होती है। उसके अलावा ये जो इम्प्रेशन है ये स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन का इम्प्रेशन। उसके अलावा यहाँ पे करके लेफ्ट किडनी का इम्प्रेशन होता है। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये बेसिकली डायग्राम है जिसमें हम इसके इम्प्रेशंस को समझेंगे। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये बेसिकली रिलेट कर रहा है लेफ्ट किडनी के साथ, यानी लेफ्ट किडनी कहाँ से इसको रिलेट कर रही है। लेफ्ट किडनी का इम्प्रेशन बेसिकली प्रेजेंट है बिटवीन द इन्फीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान लेफ्ट किडनी का इम्प्रेशन है। सुपीरियर बॉर्डर और हाइलम के दरमियान या सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान गैस्ट्रिक इम्प्रेशन प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक बेसिकली इसमें हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि इस अगर उसको हम शो करेंगे तो ये सारा इसके पीछे आ जाएगा, तो उसको हम वो सबसे बड़ा इम्प्रेशन होता है। उसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेल ऑफ पैंक्रियाज आती है हाइलम के नीचे। उसके अलावा स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, दिस वन इज द स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, वो भी यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक होगी बात। उसके अलावा स्प्लेनिक आर्टरी आ रही होती है। तो हम थ्योरी से भी देख लेते हैं। द विसरल सरफेस इज रिलेटेड टू फंडस ऑफ द स्टमक, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन एंड टेल ऑफ पैंक्रियाज। यानी इसके आगे स्टमक प्रेजेंट होगी, उसके बाद जो एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी है, स्टमक किडनी की एंटीरियर सरफेस आ जाएगी इसके रिलेशन में, टेल ऑफ पेंक्रियास और स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन आ जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ इम्प्रेशंस बनाएंगे, क्योंकि जब ये इस तरह से आ रहे होंगे तो ये उसकी विसरल सरफेस पे कुछ इम्प्रेशंस को बना रहे होंगे। सबसे पहले गैस्ट्रिक इम्प्रेशन आता है, ये लार्जेस्ट इम्प्रेशन होता है। गैस्ट्रिक इम्प्रेशन इज़ फॉर द फंडस ऑफ द स्टमक। हमने बात की थी कि जो स्प्लीन होती है वो बेसिकली प्रेजेंट होती है बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड द डायफ्राम, तो ये एक इम्प्रेशन बनाएगी। और ये इम्प्रेशन बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, लाई बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर, यानी सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। इसको हम इससे देख लेते हैं। तो ये हमने बात की थी कि ये सुपीरियर बॉर्डर है और यहाँ पे करके इंटरमीडिएट बॉर्डर प्रेजेंट होता है, तो इसके दरमियान जो इम्प्रेशन प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कनकेव इम्प्रेशन ऑन द स्प्लीन। ये लार्जेस्ट होता है और मोस्ट कनकेव होता है, क्योंकि फंडस की कन्वेक्सिटी की वजह से ये मोस्ट कनकेव इम्प्रेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्प्रेशन है वो है रीनल इम्प्रेशन, यानी किडनी का इम्प्रेशन। रीनल इम्प्रेशन फॉर द लेफ्ट किडनी लाई बिटवीन द इन्फीरियर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर, यानी
इन्फीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान टीन इंप्रेशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद कॉलिक इंप्रेशन की बात करते हैं। कॉलिक इंप्रेशन बेसिकली होता है स्प्रेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलोन के लिए। इट अकंपनीज अ ट्रायंगुलर एरिया जॉइनिंग द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्रीन। इट्स लोअर पार्ट इज रिलेटेड टू फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट। फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट क्या से कहाँ तक एक्सटेंड करा है? जो स्पेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलोन होता है वहाँ से लेकर डायफ्राम तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। तो ये इसके रिलेशन में आ जाएगा। यहाँ पे करके ये जो इंप्रेशन प्रेजेंट है ये बेसिकली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, इसको हम बोलते हैं कॉलिक इंप्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट इंप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं पेंक्रियाटिक इंप्रेशन। पेंक्रियाटिक इंप्रेशन किसके लिए होता है? फॉर द टेल ऑफ पेंक्रियास, क्योंकि टेल ऑफ पेंक्रियास इसके अंदर एक्सटेंड कर रही होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट लाइज बिटवीन द हाइलम एंड द कॉलिक इंप्रेशन। ये बेसिकली हाइलम है और ये कॉलिक इंप्रेशन है, तो ये इनके दरमियान प्रेजेंट इंप्रेशन होता है पेंक्रियाटिक इंप्रेशन। उसके बाद हाइलम, हाइलम भी एक बेसिकली क्या होता है? इंप्रेशन होता है। हाइलम लाइज ऑन द इन्फीरोमीडियल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक इंप्रेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्लीन। यानी जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है उसके इन्फीरोमीडियल एस्पेक्ट पे ये प्रेजेंट होता है। इट ट्रांसमिट द स्प्लेनिक वेसल्स एंड नर्व्स एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू द गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड लीनोरीनल लिगामेंट। ये बेसिकली ट्रांसमिट कर रहा होता है स्प्लेनिक वेसल्स को। ये बेसिकली स्प्लेनिक जो आर्टरी होती है वो सीलिक ट्रंक से आ रही होती है, और जो स्प्लेनिक वेन होती है वो कंबाइन करती है विद द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? पोर्टल वेन की फॉर्मेशन बेसिकली बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज हो रही होती है। तो उसके अलावा जो स्प्लेनिक वेन होती है उसके अंदर इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन ड्रेन कर रही होती है, और स्प्लेनिक वेन कंबाइन करती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ टू फॉर्म द पोर्टल वेन। उसके अलावा हमने लिगामेंट्स की बात की थी कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हाइलम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और लीनोरीनल लिगामेंट। ये हमने बात कर ली विसरल सरफेस की। अब हम बात करते हैं डायफ्रैगमेटिक सरफेस। डायफ्रैगमेटिक सरफेस की बात करें तो ये हमने बात की थी कि ये 9th, 10th और 11th रिब के साथ रिलेट कर रही होती है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, डायफ्रैगमेटिक सरफेस इज रिलेटेड टू डायफ्राम एंड विच सेपरेट द स्प्लीन फ्रॉम द कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस ऑफ द प्लूरा। यानी प्लूरा के अंदर हम एक रिसेस पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस। यानी ये बेसिकली प्रेजेंट होती है कोस्टल कार्टिलेजेस और डायफ्राम के दरमियान एंड द 9th, 10th and 11th रिब ऑफ द लेफ्ट साइड। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो डायफ्रैगमेटिक सरफेस के विसरल रिलेशन को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्प्लीन बेसिकली लाय कर रही होती है ऑन द 9th, 10th and 11th रिब के साथ, और जो डायफ्राम होता है वो बेसिकली सेपरेट कर रहा होता है स्प्लीन को फ्रॉम द कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस। दिस वन इज द कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस। तो ये हमने बात कर ली रिलेशंस ऑफ विसरल पेरिटोनियल एंड विसरल रिलेशंस ऑफ स्प्लीन। अच्छा, अब हम इन तमाम जो रिलेशंस हैं इनको 3D डायग्राम से समझेंगे। तो ये बॉडी का इंटीरियर एस्पेक्ट दिखाया गया है, जिसमें अगर हम स्प्लीन की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे करके स्प्लीन प्रेजेंट होती है। ये डायफ्राम को अगर हम हटाएं, डायफ्राम को हटाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये बेसिकली होती है स्प्लीन, और ये कहाँ पे लाइक कर रही है? इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। अपने डायफ्राम को हटाया तो हमें ये नज़र आई, यानी ये अंडर द कवर ऑफ डायफ्राम प्रेजेंट होती है बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। अब हम इस पॉइंट को देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी रिब्स के साथ रिलेट कर रही हैं। ये जो रिब है ये बेसिकली हमारे पास 9th रिब है, ये बेसिकली 9th रिब है। इसके अलावा ये 10th रिब है, ये 11th और ये 12th रिब है। डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये किन रिब्स के साथ रिलेट कर रही है। दिस वन इज़ द 9th रिब, दिस वन इज 10th एंड दिस वन इज़ द 11th रिब। अब हम इसके इंप्रेशंस की बात कर लेते हैं। इंप्रेशंस की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये बेसिकली स्टमक है। अगर हम स्टमक को हाइड करें तो स्टमक को हाइड करने के बाद ये जो साइड में हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम बेसिकली बोलते हैं स्प्लीन।
डायग्राम में हम ये भी देख सकते हैं कि जो पेंक्रियाज आती है, पेंक्रियाज की जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली होती है टेल ऑफ पेंक्रियाज, और टेल ऑफ पेंक्रियाज इसके अंदर जा रही होती है। उसके अलावा जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन है, दिस वन इज़ अ ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एज कंटिन्यू होता है विद द स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। अगर हम रिब्स को हटाएं तो हमें ये क्लियरली नज़र आएगा कि ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन के साथ। उसके अलावा ये जो किडनी किडनी है, ये बेसिकली लेफ्ट साइड की है, ये भी इसके रिलेशन में आ जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ स्प्लीन। रिलेशंस की बात करने के बाद हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें। ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं। स्प्लीन इज सप्लाइड बाय द स्प्लीनिक आर्टरी विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक की बेसिकली तीन ब्रांचेज होती है, जिसमें से सबसे पहले होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, देन पोमनोपैंटिक आर्टरी एंड देन द स्प्लीनिक आर्टरी। जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है वो बेसिकली इज द लार्जेस्ट ब्रांच होती है सीलिक ट्रंक की। द आर्टरी इज टॉर्टुअस इन द कोर्स टू द अलो फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्प्लीन। ये बेसिकली ज़िगज़ैग मैनर में बिहाइंड द स्टमक जा रही होती है। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा था सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक की ये वाली ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और ये जो स्टमक के बिहाइंड जा रही है टॉर्टुअस मैनर में, इसको हम बोलते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। इसके टॉर्टुअस मैनर में जाने का क्या मकसद है कि ये मूवमेंट ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन की मूवमेंट को ये अलाउ करती है। इट पासिस थ्रू द लीनो रीनल लिगामेंट टू रीच द हाइलम ऑफ स्प्लीन वेर इट डिवाइड इंटू फाइव और मोर ब्रांच। हमने बात की थी कि लीनो रीनल लिगामेंट के कॉन्टेंट में आर्टरी आती है, उसे हम बोलते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये इट पासिस थ्रू द लीनो रीनल लिगामेंट टू रीच द हाइलम ऑफ द स्प्लीन वेर इट डिवाइड इंटू फाइव और मोर ब्रांच, यानी फाइव और मोर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। दीज ब्रांचेज एंटर द स्प्लीन टू सप्लाई इट न्यूमरस ब्रांचेज टू द पैंक्रियास। कुछ में इनमें से कुछ ब्रांचेस पेंक्रियाज से भी जा रही होती हैं, क्योंकि पेंक्रियाज भी बेसिकली स्टमक के बिहाइंड लाई कर रहा होता है। उसके अलावा 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेज होती हैं, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होती है। ये बेसिकली हमने बात की थी कि यहाँ पे करके शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, जो बेसिकली किसका कॉन्टेंट थी, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट की। ये किसकी ब्रांच है, स्प्लीनिक आर्टरी की। उसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। उसके अलावा न्यूमरस ब्रांचेज होती हैं पेंक्रियास के, वे पेंक्रियास बेसिकली लाई कर होता है स्टमक के बिहाइंड। तो ये हमने बात कर ली आर्टीरियल सप्लाई की। अब हम बात कर लेते हैं वीनस ड्रेनेज की। जो वीनस ड्रेनेज होती है वो बेसिकली स्प्लेनिक वेन के थ्रू होती है। स्प्लेनिक वेन इज फॉर्म एट द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, इट रन अ स्ट्रेट कोर्स बिहाइंड द पेंक्रियाज, इट जॉइंट द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज टू फॉर्म द पोर्टल वेन। ये हमने पहले भी बात की थी कि नेक ऑफ पेंक्रियाज के लेवल पर ये पोर्टल वेन की फॉर्मेशन करवाती है बाय कंबाइनिंग विद द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, जो स्प्लेनिक टिश्यू प्रॉपर होता है उसकी कोई लिम्फेटिक्स नहीं होती। अ फ्यू लिम्फेटिक अराइज फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द कैप्सूल, यानी जो कैप्सूल का कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ से कुछ लिम्फेटिक्स अराइज करती हैं, जिसमें ट्रबैकुली एंड ड्रेन इनटू द पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक लिम्फ नोड, जो कि ड्रेन करते हैं पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स के अंदर सिचुएटेड अलोंग द स्प्लेनिक आर्टरी। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने डायग्राम देखी थी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक में, जिसमें ये जो नोड्स प्रेजेंट हैं इनको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक और स्प्लेनिक नोड्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात करें, जो सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सीलिक प्लेक्सिस से आते हैं। दे आर वेजोमोटर, यानी ये उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दे आल्सो सप्लाई सम स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द कैप्सूल, यानी ये कैप्सूल के अंदर कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको भी ये क्या कर रहे होते हैं, नर्व सप्लाई दे रहे होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ स्प्लीन एंड देन द ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।